आज के इस वीडियो पर तुमको सिखाऊंगे कि तुम तुम्हारे गर्लफ्रेंड की फ़ोटो या फिर तुम्हारे खुद की फ़ोटो से कुछ उस टाइप के स्टेटस वीडियो को क्रिएट कर पाओगे कुछ ही मिनटों के अंदर। जैसे कि अब स्टार्टिंग पे आप देखा हो, तो चलो तुमको मैं सबसे आसान तरीके से सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर तुम्हारे पास कैनमास्टर नहीं है ना, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो इसको डाउनलोड करके क्रिएट यहाँ पर देख सकते हो, क्रिएट न्यू पर तुमको क्लिक कर देना होगा। देन इसके बाद 9:16 यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। देन इसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेंगे क्रिएट ऑप्शन, तुमको ये होगा। देन इसके बाद तुमको क्या करना आगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो तुम, यहाँ पर इमेज एसेट पर क्लिक कर देना। देन इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक कलर का इमेज तुमको लेना होगा। देन इसके बाद इसको तुम उतना सेकेंड रखोगे जितना मिनट सेकेंड की वीडियो को तुम क्रिएट करोगे। तुम यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं उतना 14 सेकंड रखा। तुम जितना सेकंड की वीडियो बनाओगे तुम अपने हिसाब से रख लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, रखने के बाद आप तुमको क्या करना, लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर देना। देन इसके बाद तुमको अपने फ़ोटो या फिर तुम्हारे गर्लफ्रेंड की फ़ोटो, किसी का भी फ़ोटो यहाँ पर एडिट करना होगा। तो मैं फ़ोटो को एडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं फ़ोटो को एडिट किया। फ़ोटो एडिट करने के बाद फ़ोटो पर टच करके फ़ोटो को क्या करना, आपको यहाँ पर देख सकते, तुमको यहाँ पर फ़ोटो लास्ट तक लाना होगा। लास्ट तक लाने के बाद उतना तक छोड़ देना होगा तुमको। इसके बाद आपको फ़ोटो पर क्लिक करके फ़ोटो को तुमको ऊपर साइड में ला के इसको क्या करना, बड़ा स्क्रीन कर देना। ध्यान से देखो, इसको उतना तक रख लो। रखने के बाद यहाँ पर तुम एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, अच्छे तरीके से एडजस्ट करना होगा ताकि बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पर तुमको मैं अच्छी तरीके से सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एडजस्ट होने के बाद फ़ोटो देख सकते हो एडजस्ट हो चुका है। एडजस्ट होने के बाद तुमको क्या करना है, फिर से लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर देना। और जितने भी मटेरियल में यूज़ करेंगे ना, तुमको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो तुम इसको डाउनलोड कर पाओगे आसानी से। तो यहाँ पर मैं इस इफेक्ट को यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो इफेक्ट को लगाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तुमको इफेक्ट का जो साउंड मिक्सर पर जाके इसका साउंड म्यूट करना होगा। तो मैं इसको साउंड म्यूट कर देता हूँ। म्यूट करने के बाद तुमको बैक आ जाना होगा। देन आपको यहाँ पर ढूंढना होगा स्प्लिट स्क्रीन, इस पर टच करके तुमको इस वाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो इसके बाद तुमको बैक आ जाना। बैक आने के बाद फिर से यहाँ पर देखने को मिलेंगे ब्लेंडिंग, तुमको इस ब्लेंडिंग पर क्लिक करके स्क्रीन कर देना होगा। तो स्क्रीन कवर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो वो ब्लैक स्क्रीन हट चुका है, जो इफेक्ट लग चुका है। तो क्या करना है तुमको मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले उतना तक तुमको आना है, उतना तक मैं सबसे पहले यहाँ पर फिर से आता हूँ लेयर पर, मीडिया पर क्लिक करके फिर से यहाँ पर जो लिरिक्स को ले लेना, जो सॉन्ग को लेने के लिए मैं सॉन्ग को यहाँ पर एडिट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो तुम भी इस सॉन्ग को एडिट कर लेना। तो मैं इसका भी डाउनलोड लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको दे दिया हो, तुम यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको ढूंढ कर एडिट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर एडिट कर लिया, तुम भी इसको एडिट कर लेना। एडिट करने के बाद कुछ भी नहीं करना, तुमको क्या करना है इस पर फिर से क्लिक करके लास्ट में आना। लास्ट में आके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो दिखाई देंगे, इस पर तुमको टच कर देना। टच करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, तुमको सिर्फ यहाँ पर डिलीट बटन पर टच कर देना। तो यहाँ पर सॉन्ग रह गया लेकिन वो ब्लैक स्क्रीन हट चुका है। तो तुमको क्या करना है अभी ध्यान से देखना, मैं जैसे बताएंगे तुम वैसे ही फॉलो करना। तो मैं इसको एक बार प्ले करके एडजस्ट कराता हूँ, तो तुम भी इसको अच्छे तरीके से देखना मैं कैसे एडजस्ट कराता हूँ। तो यहाँ पर इसका साउंड में म्यूट करके रखा, तो साउंड थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो तुम देखा कितना तक आगे यहाँ पर देख सकते हो, तो उतना तक तुमको क्या करना होगा, इस इफेक्ट को कट कर देना होगा। इस इफेक्ट को यहाँ पर कट करने के लिए तुमको क्या करना, स्प्लिट यहाँ पर क्लिक करके तुमको यहाँ पर वो वाला ऑप्शन पर ट्रिम टू राइट पर टच कर देना। तो कट हो चुका है। कट होने के बाद तुमको क्या करना, फिर से बैक आ जाना। तो फिर से तुमको बैक आने के बाद फिर से लेयर पर क्लिक करके तुमको मीडिया पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद तुमको क्या करना, इमेज एसेट पर आके आपको ब्लैक यहाँ पर वाइट कलर का इमेज तुमको लेना होगा। लेने के बाद क्या करना है, इसको फुल स्क्रीन करना होगा। तो इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, तुम भी इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। अच्छी तरीके से फुल स्क्रीन कर लेना, कहीं पे भी यहाँ पर
दिखाई ना दे। तो उतना तक होने के बाद इसको भी उतना तक लगा लेना है। लगाने के बाद क्या करना है, अभी फिर से वाइट स्क्रीन पर टच करके तुमको क्या करना होगा, इसका अल्फा ओपासिटी पे आना। इस पर आके इसको देख सकते हो 51 तक तुमको रखना होगा। रखने के बाद अभी यहाँ पर वो हो चुका है, अच्छी तरीके से वो ऐड हो चुका है। तो मैं एक बार प्ले करके तुमको दिखाता हूँ। देख सकते हो वो हट चुका है। तो इस पर फिर से क्लिक कर देना, वाइड स्क्रीन पर क्लिक करके इसका ओवरऑल एनिमेशन पर आना। आने के बाद इसको फ्लिकर पर क्लिक कर देना। करने के बाद अभी इसका रिएक्शन देखो, कुछ ऐसा आपको दिखा देना। तो तुम देखा ना, इस टाइप से आपको बनाना होगा। तो इसके बाद लेयर पर तुमको क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक करके यहाँ पर तुमको एक यहाँ पर जो शेडो लगाना होगा, साइड में शेडो रहता है ना, तो शेडो नहीं लगाओगे तो वीडियो मस्त नहीं लगेगा। तो तुमको शेडो को ऐड कर लेना। तो मैं शेडो को भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं शेडो यहाँ पर इसमें इस फोल्डर पर रखा था, तो इसको भी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ मैं। तुम भी इसको ऐड कर लेना। तो इस शेडो को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ सबसे पहले। तो देख सकते इस शेडो को करने के बाद इस पर क्लिक करके इसका स्प्लिट स्क्रीन पर टच कर देना। देख सकते हो स्प्लिट स्क्रीन पर करके इसको फुल स्क्रीन कर देना, और तुमको इसको लास्ट तक कर देना होगा। जितना तक वीडियो को बनाओगे उतना तक रखने के बाद फिर से क्लिक करके इसका ब्लेंडिंग पर तुमको क्लिक कर देना। इसके बाद स्क्रीन पर क्लिक कर देना। करने के बाद वो हो गया। तो चलो एक बार इसको मैं एडिट कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स, अभी फाइनली एक वीडियो को ऐड करना होगा ग्रीन स्किन, तो इसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तुमको भी इसको ऐड करना होगा, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं डाउनलोड करके रखा इसको भी, तो तुम भी इसको डाउनलोड करके इसको ऐड कर लेना। तो इसको भी यहाँ पर मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद क्या करना होगा, तुमको इस पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना। करने के बाद तुमको बैक आना होगा। आने के बाद यहाँ पर तुमको ढूंढना होगा क्रोमा की। इस क्रोमा के पर जैसे क्लिक करोगे ना, तो इस ऑप्शन को अनेबल कर देना होगा। इसके बाद कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तुमको, तो इसको कट कर देना। और आपको ढूंढना होगा यहाँ पर फोटो को क्लिक करके, फ़ोटो पर क्लिक करके फ़ोटो को तुमको क्या करना, छोटा कर देना, थोड़ा आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के बाद फ़ोटो को यहाँ पर देख सकती हो, तुमको अच्छी तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना। तो फ़ोटो को मैं छोटा कर देता हूँ अभी फ़िलहाल, छोटा करके बाद में बड़ा करता हूँ। तो तुमको इसे बड़ा ऐसे एडजस्ट कराना है। करने के बाद इसको और थोड़ा बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद उतना तक फिर से इसको बड़ा कर देना। इसको बड़ा करने के बाद उतना तक तुमको सोट देना होगा। सोने के बाद अभी यहाँ पर देख सकती हो तुम, तो इसको और भी थोड़ा हल्का छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से एडजस्ट हो। तो तुम अपने हिसाब से एडजस्ट करा लेना। मैं उतना तक एडजस्ट किया। करने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट आया जैसे देख सकती हो आया। तो अभी मैं एक बार प्ले करके फाइनली दिखा देगा तुमको कि कैसे वो वीडियो ऐड हुआ है। तो इसका साउंड म्यूट कर देना, जो ग्रीन स्क्रीन का इसका म्यूट पर रखे इसको भी म्यूट कर देना। अभी प्ले करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हुआ ना जक्कास वीडियो। तुम भी बहुत ही आसान तरीके से एडिट कर सकते हो। तो इसको डाउनलोड करने के लिए इसे डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ से यहाँ पर फुल एचडी पे रखोगे तो यहाँ पर 1080 पर रखे 7G वीडियो पर टच कर दो।